केबीपीएन न्यूज में आपके साथ मैं सुष्मिता गौर। आइए बात करते हैं इस वक्त की खबर से। अयोध्या धाम में सीएम योगी के सीएससी मसौदा को गोद लेने से बड़ी सरगर्मी। अयोध्या धाम में सीएम योगी के सीएससी मसौदा को गोद लेने के साथ ही सरगर्मी बढ़ गई है और अक्सर विवादों में रहने वाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसौदा पर इस बार गर्भवती महिलाओं की अस्मत की सुरक्षा पर सवाल उठा है, जिसको लेकर करणी सेना ने जमकर हंगामा किया और सीएससी अधीक्षक पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने खुद सीएससी मसौदा को गोद लिया है। अब सवाल यह उठता है कि जब मुख्यमंत्री के गोद लिए अस्पताल का यह हाल है तो अन्य चिकित्सालयों का क्या हाल होगा। सीएससी मसौदा में मरीजों को फल वितरण करने पहुंची करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष श्वेता राज सिंह ने उस समय अस्पताल प्रशासन को आड़े हाथ लिया जब लेबर रूम के बाहर के वार्ड में लगे कैमरे को देखा। श्वेता राज सिंह ने कहा कि यहां पर महिलाओं की निष्ठा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको करणी सेना बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने वर्तमान में तैनात सीएससी अधीक्षक पर तत्काल मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यदि जिला प्रशासन कोई उचित कार्यवाही नहीं करेगा तो यह न्यायालय की शरण लेगी। वहीं दूसरी ओर सीएससी मसौदा पर तैनात स्टाफ नर्स ने भी अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सीएससी अधीक्षक पर आरोप लगाए हैं। नर्स का कहना है कि कई बार इस मामले को लेकर शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने कोई उचित कार्रवाई करने की बजाय उल्टे नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। नर्स का आरोप है कि लेबर रूम के बाहर स्तनपान रूप में कैमरा लगा है, जिसका अवलोकन सीएससी अधीक्षक के कमरे में करे मॉनिटर और मोबाइल पर होता है, जिसको हटाने के लिए कई बार कहा गया लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टे हमें ही नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। मसौदा पे ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गोद लिया है, तो इसलिए करणी सेना यहाँ पे फल वितरण करने आई थी। हम लोग तो अच्छे उद्देश्य से आए थे, लेकिन जब फल वितरण करना शुरू किया, लेबर रूम में हम गए, लेबर रूम के सामने गए, वहां पे एक महिला भी एडमिट थी, हमने क्या देखा कि वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मतलब महिलाओं के निजी कक्ष में, जहां पे महिलाएं लेबर के बाद रखी जाती हैं, स्तनपान कराती हैं, उनके कपड़े बदले जाते हैं, उनको तेल लगता है, वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और जब अधीक्षक महोदय से मैंने कहा कि आप ये बताइए कि सीसीटीवी कैमरा कैसे लगा हुआ है यहाँ पे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये आपके मतलब की बात नहीं है। उसके बाद ये भी बोल रहे थे, हाँ मैं 5 बजे तक रुकता हूँ, मैं देखता हूँ आप लोग क्या कर लेंगे। और ये योगी आदित्यनाथ जी एक बार शायद अपने मान मर्यादा के साथ समझौता कर लेंगे, लेकिन वो महिलाओं के साथ कुछ भी गलत हुआ है उस मान मर्यादा के साथ वो बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। मेरा हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि इस पीएमएस को यहाँ से तुरंत अति शीघ्र यहाँ से हटा के इसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी मेडिकल की डिग्री रद्द करनी चाहिए। ये सूचना मैंने सीएमओ साहब को जब दी तो सीएमओ साहब ने ये कहा मुझसे कि क्या महिलाओं के कक्ष में हम नहीं लगाएंगे कैमरा, क्या वार्ड के अंदर हम कैमरा नहीं लगाएंगे। तो हमने कहा महिलाओं के निजी कक्ष में तो कैमरा कहीं नहीं लगता है, जहां पे महिलाओं की निजता भंग हो ऐसी कहीं जगह कैमरा नहीं लगता है। मैं एक पढ़ी लिखी अधिवक्ता हूँ, मुझे ये मालूम है कि अगर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगी तो मेरे पास न्यायालय भी है। ये लोग अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो न्यायालय पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय में न्याय जरूर मिलेगा। मैं लड़ाई लड़ूंगी, अंत तक लड़ाई लड़ूंगी, जब तक कि इसकी मेडिकल की डिग्री पूरी तरीके से खारिज नहीं होती। कर्मी हूँ मैं, 9 साल से ड्यूटी कर रही हूँ और यहाँ पे 4-5 महीना हुआ हमारे अफसार खान यहाँ पे अधीक्षक बने हैं। ये महिलाओं की कोई बात नहीं सुनते हैं और ये कहते हैं कि हम आप जो बोलेंगी वही मैं करूंगा, लेकिन उसके बाद में डिलीवरी यहाँ पे कराई जाती है लेबर रूम में। और जो वार्ड में हम लोग शिफ्ट करते हैं बेबी केयर, इसमें कैमरा लगा हुआ है और जो कि इनकी निगाहें नहीं जाती, हम लोगों ने कई बार आवाज उठाया पर ये नहीं सुनते हैं। सर हम लोग यहाँ महिलाएं हैं जो कि पर्दगी में डिलीवरी कराने के लिए आती हैं, पर ये इनके ऑफिस में सारे कैमरे लगे हुए हैं, ये मोबाइल पर और टीवी पे देखते रहते हैं, जो कि ये अभद्रता की बात है। एक महिला हमारे विश्वास पर यहाँ आती है, यहाँ अगर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको तो नहीं मालूम है लेकिन हमारे स्टाफ को तो मालूम है। यहाँ जो बोलता है उसको कहते हैं आपको नौकरी से निकाल देंगे। हम संविदा कर्मी हैं, हम अब चुप नहीं बैठ पाएंगे पा रहे हैं।